हम आ चुके हैं राजस्थान के बूंदी शहर में बूंदी फोर्ट देखने, और यह बूंदी फोर्ट का एंट्रेंस है क्या, और यहाँ से ये टिकट काउंटर है, और ये है फोर्ट पैलेस बूंदी का, और वहाँ आप लोग देख सकते हैं हाथीपुर लिखा हुआ है, ये है यहाँ हाथी भी ये है बना हुआ ऊपर में दो, और ये यहाँ से व्यू है सिटी का। गढ़ पैलेस से ये नीचे का, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये जो गढ़ पैलेस है राजघराना की, मतलब जो घर है उसके अंदर सब घर बना चुका है, सारे घर घर कानूनी होंगे आई थिंक, क्योंकि फोर्ट के अंदर सारे घर घुसे पड़े हैं। यहाँ पूरी सिटी आधी आबादी तो फोर्ट के अंदर है, काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड है यहाँ पे। वैसे तो राजस्थान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, मगर यहाँ काफ़ी डेंसली है, और एक छोटी सी झील है, बट ये झील में बोटिंग नहीं हो रही है। काफ़ी प्यारा सा झील है, छोटा सा है, बट पहाड़ियों के बीच बड़ा अच्छा सा लग रहा है। ये जो महल है ये हाथीपुल से एंट्री लेने के बाद जो सामने का है वो है, और ये दो महले में बना हुआ है, मतलब कि एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर, और ये जो रास्ता है ये सारा घुमावदार है, आप देख सकते हैं कहीं भी सीधा रास्ता नहीं है। सीधा रास्ता नहीं होने के पीछे का लॉजिक ये है कि जब भी किले पे आक्रमण हो तो लंबे तादाद का पता नहीं चले, और उसके पीछे सैनिक जो पहरेदारी कर रहा है उसे हमला करने का मौका मिल जाए, और सामने वाले को पता नहीं चले कि पीछे कोई सैनिक है, इसीलिए घुमावदार बनाया गया। बूंदी फोर्ट के हाथीपोल से जैसे एंट्री लोगे उसके सामने सीधा यहाँ ये घोड़ों के खाने और रहने के लिए यहाँ अस्तबल बनाया गया है, और ये उसके खाने के लिए है, ये सारा ये आप लोग देख सकते हो, एक खाने के लिए पानी के लिए, वो भी ऐसे ही खाने के लिए उसके आगे फिर पानी के लिए। ये जो रास्ता है नीचे महल घूमने के बाद ऊपर जाने का है, और ये थोड़ा जंगल झाड़ टाइप का रास्ता है, इसीलिए लोग यहाँ ऊपर कम आते, नीचे के महल ही घूम के चले जाते हैं, और मेन घूमने का ऊपर ही है। ऊपर रानियों का महल है, और दो हिस्सों में निर्माण कराया गया था फोर्ट का, तो ये दूसरा वाला पार्ट है और काफ़ी शानदार है, मैं दिखाऊंगा तस्वीरें। ये रानियों के महल के अंदर ये पानी का बावड़ी है, और इसमें मानसून के अंदर पानी जमा होता था रेन वाटर से, और फिर साल भर यही लोग यूज़ करते थे जो किले में रहते थे। और यहाँ से ये दृश्य है नीचे का सिटी का, काफ़ी ऊंचे पे किला बना हुआ है, ये सिटी अच्छी है और आबादी भी वहाँ की ज़्यादा ही है, और ये सुनसान सा भी है क्योंकि ऑफ सीजन में मैं घूमने गया था। ये रानियों का महल बूंदी फोर्ट के बगल में है, ऊपर थोड़ा चढ़ के आना होगा आपको, और यहाँ से सारा व्यू है। सारा खंडहर बन चुका है, ये जो लकड़ियाँ काट काट कर ले जा रहे हैं लोग, साफ सफाई चल रही है बट इतनी काफ़ी नहीं, और साफ सफाई की ज़रूरत है यहाँ किले पे, काफ़ी गंदा। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट आप कंपेरेटिवली यहाँ से अच्छी स्थिति में आपको मिलेगी, और ये प्राइवेट फर्म के द्वारा ही चलाया जा रहा है, बट फिर भी काफ़ी झाड़ी नुमा है एकदम, और बहुत जंगल सा है। ये फोर्ट के दूसरे महल में आ चुके हैं, और ये महल भी दो मंजिला है, मतलब एक ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ है, और यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और बीच में बरामदा है। ये महल के बीचों बीच एक पेड़ उग गया है और काफ़ी बड़ा है, दो महले से ऊपर है, मैं इस पेड़ का नाम नहीं जानता हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो कमेंट करके नीचे बताएं किस पेड़ का क्या नाम है। ये जो छोटा घर नुमा आप देख रहे हैं ये जो है, इसमें पुराने ज़माने में कबूतरों को रखा जाता था लेटर पहुंचाने के लिए, आज तो डाक से जाता है, पहले तो यही होते थे,
और मैसेज पहुंचाने के लिए पक्षियों का इस्तेमाल किया जाता था, और वो पक्षियाँ इसमें रहती थी और लेटर लेके इधर से उड़ जाती थी ऐसे, ये यहाँ से। यह अरावली हिल्स रेंज है और उसके बीच से एक नदी गई हुई है। यह सबसे अद्भुत नज़ारा है फोर्ट के ऊपर से, इससे अच्छा दृश्य पूरे फोर्ट के ऊपर से कहीं भी नहीं है। यह है बूंदी सिटी और ये बूंदी फोर्ट के शिव टेम्पल से आप लोग ये दृश्य देख पा रहे हैं। काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड सिटी है ये, और ये सूर्य भगवान। ये वक्त हो रहा है लगभग 3:30 बजे का, यहाँ देख सकते हैं सारी जो पौधे पेड़ पौधे हैं वो सारी कटीली है, कटीली झाड़ियों वाली। और इसके पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ वो झंडा दिख पा रहा है वहाँ पे था, वहाँ पे वहाँ से यहाँ गया। अच्छा अनुभव है, काफ़ी ट्रैकिंग के हिसाब से यहाँ आया जा सकता है और जंगल वाला फील आता है, काफ़ी लगता है जैसे कि जंगल में आप लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, इस तरह का फील आता है। तो ये ब्लॉग में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और कमेंट करके नीचे बताएं ये वीडियो कैसी लगी, और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो वो भी नीचे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।